नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इनके द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का यह प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी के तूता स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। सीएम हाउस के घेराव करने निकले कर्मचारियों को रोका भी गया। धरना स्थल के पास बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोका गया। मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वेतन विसंगति, कोरोना भत्ता, हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप रायपुर से देख रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल लगातार जारी है। कई सारी मांगे हैं इनकी और इनके द्वारा मांगों को लेकर ही हड़ताल किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, स्वास्थ्य कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और इससे कहीं ना कहीं अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा गई हैं। आखिर कहां बात इनकी नहीं बन पा रही है सरकार और कर्मचारियों की? जी ऋतु, ये सुबह से हड़ताल पर थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे। इसके बाद इन्होंने दोपहर को रैली निकाली, प्रदर्शन किया, विरोध किया अपनी मांगों को लेकर। दोपहर 3 बजे ये मुख्यमंत्री आवाज घेराव के लिए निकले, लेकिन तूता धरना स्थल पे कुछ दूर आगे जाते ही इन्हें बैरिकेड से रोक लिया गया जवानों द्वारा। लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन से ये अपनी मांगों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगे बता रहे हैं उन्हें, लेकिन अब तक के किसी तरीके से शासन से इनकी बात नहीं बन पाई है। इनका कहना है कि अगर सरकार जल्द ही मांगे नहीं मानती है तो हम प्रदर्शन को और उग्र करेंगे और लगातार हमारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, पर बात यही है कि अगर दोनों तरफ से अड़ियल रवैया रहता है तो इससे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रभावित रहेंगी, मरीजों को परेशानी होगी। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, जैसे प्रदेश में 5200 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और कई सरकारी अस्पताल है जहां ये स्वास्थ्य कर्मी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इनके हड़ताल पे जाने पे निश्चित तौर पे ही स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा सी गई है। मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही, कई मरीज वापस लौट रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पे सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि अगर ये जल्द हड़ताल से वापस नहीं जाते, इन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। हॉस्टल में छात्रा की लाश मिली है, हॉस्टल के वॉशरूम में लाश मिली है। बता दें हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी की ये छात्रा बताई जा रही है, जिसका शव बरामद हुआ है। शव के पास से कीटनाशक दवाई भी बरामद हुई है। मृतक छात्रा का नाम उर्वी भारद्वाज है, जो कि 5वें सेमेस्टर की छात्रा थी। बिहार की रहने वाली थी ये छात्रा। राखी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। डबल मर्डर से न्यायाधानी में सनसनी फैल चुकी है। गैंगवार में 2 युवकों की हत्या हो चुकी है। बता दें आपको, सरकंडा के इमली भाटा में वारदात हुई है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बिलासपुर में हुए एक साथ डबल मर्डर के बाद न्यायाधानी में सनसनी फैल चुकी है। घटना थाना सरकंडा के इमली भाटा की है, जहां पर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के कारण 2 युवकों की धारदार हथियार से मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया। मृतकों में एक युवक घटना का सह आरोपी था, जिसे उसके ही साथियों ने पूरी वारदात को अपने सिर पर लेने को कहा और मना करने पर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। वारदात में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर इस घटना के बाद से इमली भाटा में लोग दहशत में आ चुके हैं। यहां लगातार लूट मारपीट और नशे के कारोबार की वजह से इलाके में खौफजदा लोग रहते हैं। क्षेत्र के लोगों से यहां के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझा जा सकता है।
मर्डर के बाद जो इलाका है वहां पर दहशत की स्थिति बनी हुई है, महिलाएं दहशत में है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ना तो यहां पर कोई चौकसी अपनाता है, ना तो यहां पर पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था है, और लगातार इस तरह की घटनाओं से जो इलाका है वो पूरी तरीके से दहशत है। देख सकते हैं कि ये महिलाएं अपने घर से बाहर निकली हुई है, इनकी छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां स्कूल जाती है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहां है इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ सीधे तौर पर यहां की महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्या आप लोगों को यहां पर झेलनी पड़ रही है। डबल मर्डर हुआ है और बताया जा रहा है कि आगे एक और मर्डर हुआ है। सर यहां डबल की कोई बात ही नहीं है, ट्रिपल मर्डर हुआ है। ऐसे में हम लोग कैसे करें, क्या करें, हमको खुद समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में जाओ देखो चूल्हे नहीं चले अभी तक, हमारे छोटे बच्चे भूखे हैं, कैसे हम कंडीशन में यहाँ पे रहे। हम लोग सर खुद कमाने खाने वाले हैं, जो नशेड़ी उनको पकड़ नहीं रहे हो, दूसरी मर्डर पीछे मिल गया, तीसरा प्लॉट वहां मिल गया, यहाँ तो मतलब नक्सली लोग को मतलब गड़गड़ हो गया, यहाँ तो डॉन बन गया, सब आदमी गुंडा बन गए हैं, यहाँ तो हम जीना मुश्किल हो गया हमारा, तो आम पब्लिक यहाँ जी नहीं सकते। हम लोग कर सकते क्या, शासन से यही बस बोल सकते क्या, तो हमको शासन हमको रक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, हमारे बच्चे को सुरक्षा दीजिए। ये वो आवाज है जो पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर लगातार दहशतगरी की जा रही है, नशे का कारोबार यहाँ पर बढ़ रहा है, लगातार यहाँ पर शराबियों के द्वारा मारपीट की घटनाएं की जा रही है, बावजूद उसके ना तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद होता है, ना तो यहाँ पर सुरक्षा के कोई व्यवस्था है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये इलाका जो है पूरी तरीके से दहशत है। लगातार यहाँ पर घटनाएं हुई हैं और कल जो घटना हुई वो दिल दहला देने वाली थी, न केवल एक बल्कि दो हत्याएं हुई हैं, और एक बात तो और निकल कर सामने आ रही है कि कहीं इस पूरी घटना में तीसरी घटना भी ना सामने निकल कर आ जाए सामने, क्योंकि तीसरी हत्या की भी बात निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से ये घटना हुई है और घटना के बाद जो इलाके में लोग दहशत में हैं, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर चौक चौबंद की व्यवस्था की जाए, ताकि ये लोग दहशतगिरी से बाहर आ सके, दहशतगिरी और गुंडागिरी से ये लोग जो परेशान है ये बाहर निकल सके, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। फिलहाल न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य बिलासपुर। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, नक्सलियों के गढ़ में पुलिस की दबिश देखने को मिली है। दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर दबिश दी गई है, सिमेल की पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, मौके से नक्सली भागने में कामयाब रहे। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोगुंडा सीमेल गट्टा पाल परिया के बीच पहाड़ियों में 24 घंटे तक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने 2 बड़े नक्सली कैंप को ध्वस्त भी कर दिया। बता दें कैंप में करीब 80 से 100 नक्सलियों के रहने की क्षमता थी। मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामान भी बरामद किया गया है। डीआरजी एसटीएफ और कोबरा बटालियन की कार्रवाई देखने को मिली है। टीम सीमा के दक्षिण में गट्टापाल परिया के पहाड़ी जंगल को सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप मिला जो लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें 80 से 100 नक्सलियों के रुकने की व्यवस्था थी, जिसे मौके पर जवानों द्वारा ध्वस्त किया गया। और मौके एवं आसपास स्थल में सर्च करने के दौरान भारी मात्रा में राशन सामग्री सुकमा से बड़ी खबर है, इनामी समेत 2 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 1 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पूना नरकोम और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये सरेंडर किया गया है। दोनों नक्सली किस्टाराम इलाके में सक्रिय थे, कई घटनाओं में दोनों नक्सली शामिल थे और अब इन दोनों ने सरेंडर किया। इनामी समेत 2 नक्सलियों का सरेंडर, मूल स्तंभ विकास विश्वास और सुरक्षा है। इसी अभियान से प्रेरित होकर सुकमा पुलिस का पुनः नाको, जिसका मतलब है नई सुबह, एक अभियान चला रही है। इस संदर्भ में चिंता गुफा थाने क्षेत्र में सक्रिय 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये दोनों माओवादी माओवादियों के अत्याचार और अत्याचार से परेशान थे, उनकी विचारों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, और सुकमा पुलिस के पुनर्नाको और सीआरपीएफ के 131 बटालियन के विशेष योगदान से इन दोनों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पहले माओवादी का नाम है बट्टी भीमा, जो कि 2004 से सक्रिय था, ये एल्मागुंडा में आरपीसी अध्यक्ष रह चुका है। दूसरे का नाम है माड़वी जोगा, जो कि मिलिशिया कमांडर था एल्मागुंडा आरपीसी के अंतर्गत।
बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर ओपी चौधरी बोले हैं कि कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जहां से मौका मिल रहा वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार, महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये ओपी चौधरी द्वारा बातें कही गई है। 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप किया गया था एक्वायर, पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए थे, सरकार सब कुछ जानते हुए चुप बैठी थी। युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन ठगी हुई छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किया था केस, केस के आधार पर ईडी की ये कार्रवाई हुई है। अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है, ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ, वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई, और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रतिमाह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानी अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। ईडी के छापेमारी पर रमन सिंह ने बयान दिया है, कांग्रेस वालों के पास से पैसा जब्त हो रहा है, बीजेपी वालों के पास से नहीं। ईडी ने प्रमाणित किया, 75 करोड़ रुपए का हिसाब दिया। सीडी बंटवाए जाने के आरोप पर रमन सिंह का बयान आया, सीडी लहराते हुए आप लोगों ने दिखाया था, इसमें हमारा हाथ है या भूपेश जी का हाथ था, ये बातें जो है रमन सिंह द्वारा कही गई। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं और ये तार जुड़े हैं। ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस दिल्ली पहुंचे भूपेश बघेल का बयान आया। ईडी के छापे पर दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे को साजिश उन्होंने बताया है। बीजेपी पर ईडी के इस्तेमाल का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया है। चुनाव के वक्त ईडी से छापा लगवाया जा रहा है, शराब घोटाले के आरोपों को निराधार उन्होंने बताया। कैग की जांच में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली, तो ये सारी बातें भूपेश बघेल द्वारा कही गई है। ईडी ने रेड डाला, जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का भी बयान आया। संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा, कहा घोटाले होंगे तो कार्रवाई होगी, कांग्रेस ने
खोल रखी है भ्रष्टाचार की दुकान। भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां अपना काम करेंगी, जनता के पैसों को बचाने के लिए एजेंसियां काम करेंगी। छत्तीसगढ़ की सरकार है और उनकी छवि है, छवि को धूमिल करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले, घोटालों की दुकान, घोटालों की मंडली छत्तीसगढ़ की सरकार ने खोला हुआ है और उसका फ्रेंचाइजी भी बांटा हुआ है, हेडक्वार्टर तो है ही कहां आप जानते हैं, उसके फ्रेंचाइजी भी है, तो स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार से भ्रष्टाचार के दुकान खुलेंगे, घोटाले होंगे, चाहे वो सट्टा के घोटाले हों या वो शराब के घोटाले हों, चाहे वो कोयला के घोटाले हों, तो स्वाभाविक रूप से छींट उनके ऊपर पड़ेंगे। और जब पेड किया है ब्राइब तो होंगे ही रेड। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट के विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। 2020 उपचुनाव में सिंधिया समर्थक इमरती देवी को हराकर ये सुर्खियों में आए थे। सुरेश राजे 2020 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो वहीं वायरल वीडियो पर विधायक की सफाई भी आई है। ये वीडियो एडिट किया गया है, उनके द्वारा कहा गया। वायरल वीडियो पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे बोले हैं, एडिट किया हुआ वीडियो है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। 2-3 दिन से मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने जो काम किया नहीं उसके लिए कैसे ब्लैकमेल हो जाता। मेरा टिकट कटवाने के लिए ये फॉर्मूला अपनाया गया है, मैं इस मामले की पुलिस से शिकायत कर रहा हूं। मेरे संज्ञान में आई है यो बात, वीडियो की आपके संज्ञान में भी आई है। एक्चुअल में ये कोई मेरे लिए नया मामला नहीं है, मुझे पिछले 4-5 महीने से इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। वो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग थी, सिर्फ कहीं खड़े हैं तो कहीं चर्चा कर दी, किसी के माध्यम से चर्चा भेज दी, और लेकिन मेरे पास उसके कोई सबूत नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से उन्होंने मेरे मैसेज भेज के मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, मेरे से जिस तरह के पैसे की डिमांड की, और मैंने उसको सिरे से नकार दिया, तो उसकी जो परिणति उन्होंने कहा कि 2 दिन में नहीं दोगे तो हम इसको वायरल कर देंगे। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम पे एक नहीं, इस तरह के अनेक वीडियो हैं। जब अनेक वीडियो हैं तो मैं आप बताइए, इस तरह के अनेक वीडियो उनके पास है तो फिर कैसे मामला बनता है। और उधर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर सुरेश राजे पर हमला बोला। सलूजा ने कहा कि विधायक अब तक क्यों चुप थे, वीडियो वायरल होने के बाद वो ये सब जानकारी क्यों दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो कह रहे हैं कि इसमें उनकी पार्टी के नेताओं का भी षड्यंत्र हो सकता है, उनकी राजनीतिक हत्या की यह साजिश है, तो उन्हें वो कौन लोग हैं, उनके नाम सार्वजनिक करना चाहिए। इधर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के अश्लील वीडियो वायरल होने पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर उजागर हुआ है। सुरेश राजे, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, हर जगह पे चल रहा है, बड़ा आपत्तिजनक अश्लील वीडियो है। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उजागर करता है, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे गोपाल कांडा हो, चाहे महपाल मदरेना हो, एक नेता नहीं है, अनेकों नेता हैं जिनके ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहे हैं। कमलनाथ जी ध्यान दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी को ले डूबने वाले वीडियो हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, विधायक साहब का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है और उसके लिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के डबरा विधानसभा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का एक कथित तौर पर वीडियो वायरल हुआ है, जो बेहद अश्लील आपत्तिजनक वीडियो है। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद जब सुरेश राजे से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने ये आशंका जताई है कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह से ये वीडियो वायरल किया गया है। ये भी उन्होंने कहा कि लगभग 6 महीने से इस तरह उन्हें ब्लैकमेल करने का काम किया जा रहा था, पिछले 2-3 दिन से 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। इसके अलावा सुरेश राजे ने दूसरी बड़ी जो बात ये भी कही है कि उनका जो टिकट है
वो टिकट कटवाने के लिए भी ये एक साजिश हो सकती है, यानी उनका टिकट कटवाने के लिए कांग्रेस के ही दूसरे लीडर इस तरह का उनका वीडियो वायरल करने की साजिश रच सकते हैं। तो सुरेश राजे के तमाम अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं, हालांकि वीडियो में ये कभी वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनका ही वीडियो है, लेकिन वो एडिटेड वीडियो है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ